हेलो एवरीवन, आज मैंने ऑर्डर करा था ये लापिनोज पिज़्ज़ा का गार्डन डिलाइट पिज़्ज़ा। इसका मैंने जाया, जैसे सर। ये देखिए, पर पता नहीं ये मुझे इस बॉक्स में मिला है। अब इसको ओपन करूँगा तो मालूम पड़ेगा क्या आया है। और ये पाउच आया है एक चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का। चलिए शुरू करें। ये देखिए, जो मुझे लग रहा था वही हुआ है। ये रेगुलर साइज़ आ गया मेरा स्मॉल, पर मैंने ऑर्डर करा था जायंट। अब मैं कंप्लेंट करता हूँ, अब टेस्टिंग तो इसी ही करनी पड़ेगी हमको। तब तक आप पिज़्ज़ा क्लोज लुक चेकआउट करें। दोस्तों इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा लग रहा है। ये टोमेटो है, कैप्सिकम, ऑनियन और चीज़ भी अच्छी लग रही है। उनके आउटलेट पे कॉल करा तो उनके एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि जायंट स्लाइस अभी उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हमने ये वाला ऑर्डर कर दिया, ये वाला सेंड कर दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, उनको मुझे बताना चाहिए था। पर चलो छोड़ो, अब इस पिज़्ज़ा का हम आनंद लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले भी इनका 7 चीज़ पिज़्ज़ा ट्राई आउट करा हुआ है, पर मुझे लापिनोज़ का जो बेस है इतना पसंद नहीं आ रहा होम डिलीवरी में। तो मेरे आसपास कहीं इतना इनका आउटलेट भी नहीं है, तो मुझे सर्च करके वहाँ जा कर ही ट्राई आउट करना पड़ेगा। पर वैसे पिज़्ज़ा की ऊपर टॉपिंग बहुत अच्छी है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो पर कमेंट करा था कि लापिनोज़ पिज़्ज़ा इज़ बेटर देन डोमिनोज, तो आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट। दोस्तों इसके बेस में कमी है, वैसे पिज़्ज़ा A1 है पूरा। ये ऊपर टॉपिंग अच्छी है, चीज़ अच्छी है और सॉस भी अच्छी है। पिज़्ज़ा इज़ नाइस, यू कैन ट्राई प्लीज वंस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए, और नीचे कमेंट ज़रूर करें वीडियो के। बाय बाय।